मैंने बोला शिमित मुझे तो पता नहीं, आई एम नॉट अ मदर, आई डोंट नो व्हाट इट फील्स लाइक टू गिव बर्थ. शिमित सेड इवन आई डोंट नो बिकॉज़ इवन आई डोंट गिव. तुमको बच्चा पैदा करना नहीं आता. हमारे कॉस्ट्यूम ट्रायल ही मीनाक्षी का बिचारी का अंडरगार्मेंट्स में था क्योंकि शाहाना की पन वर्ड जो वहाँ पे होती थी ना, आई मीन आई कांट एवर फॉरगेट दैट. सो यू सी रसिका, कोई लड़ाई नहीं हुई आपस में जब शूट हो रहा था, तब तो कुछ कुछ हुआ होगा ना. इसका एक सीन ज्यादा है, मेरा एक सीन कम है. माहिरा वाज लाइक वाओ लुक एट शाहाना. रसिका, हर 10 दिन में तुम्हारा एक या तो एक वेब सीरीज आ रही है, एक फिल्म आ रही है, ये कर क्या रही थी आप ये लॉकडाउन में? So we have with us the entire Mehra family of A Suitable Boy. Netflix पर आने वाला है और अंग्रेजी में है वैसे तो ओरिजिनल बना हुआ, लेकिन हम चूंकि हिंदुस्तान में है हिंदी में देखेंगे. मैंने भी हिंदी में देखा है. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. तान्या, रसिका, शाहाना और माहिरा कक्कर, सही नाम लिए ना मैंने? जी बिल्कुल. बहुत बहुत मेरा नाम यासिर है और बहुत पसंद आया मुझे. और वो जो 1950s पोस्ट पार्टीशन का जो जो खाका खींचा है मीरा नायर ने और शिमित अमीन ने, हम दोनों के बारे में बात करेंगे आप सब के कैरेक्टर्स के अलावा. तो मेरे ख्याल से लता मेहरा से शुरू कर देते हैं. वो जो इतनी खूबसूरत सी स्माइल है, उतना ही खूबसूरत आपका परफॉर्मेंस है तान्या. ये कहाँ से रोल मिल गया? शुक्रिया. ये बहुत ही कहते हैं ना कि जो आपकी डेस्टिनी में लिखा गया है वो आपको मिलता ही है, तो वैसा ही था ये. क्योंकि मैंने कभी भी एक्टिंग का प्लान नहीं किया था, कभी सोचा भी नहीं था कि सूटेबल बॉय जैसी सीरीज मिलेगी या मीरा नायर के साथ काम करने को मिलेगा. तो एक्चुअली मैं कॉपीराइटर की जॉब कर रही थी इससे पहले, और कॉलेज में मैंने कभी थिएटर किया था एक साल या थोड़े टाइम के लिए, और वहाँ से मुझे थोड़े बहुत लोगों ने पहचाना. और एक दोस्त था मेरा जो थिएटर सर्कल में था, उसने अपने सीनियर को फोटोज दिखाई मेरी कि ये एक लड़की है जो एक्टिंग कर रही है मेरे साथ थिएटर सर्कल में, तो आप क्या ऑडिशन करना चाहेंगे इसका लता के लिए? और फिर उनका मुझे कॉल आता है कि आई वुड लाइक फॉर यू टू कम एंड ऑडिशन फॉर अस. एंड उन्होंने तब मुझे नहीं बताया कि किस प्रोजेक्ट के लिए था. सो इट सॉर्ट ऑफ वाज अ मिस्ट्री फॉर मी एज वेल कि मैं क्या करने जा रही हूँ. पर मैंने हाँ बोला और मैं गई ऑडिशन के लिए, और तब मुझे पता चला कि वो सूटेबल बॉय के लिए था. बस क्या था वो, अपार्ट फ्रॉम दैट स्माइल व्हाट वाज द बीफ लाइक? स्माइल का कभी कुछ नहीं बोला गया, बट ये आपकी थैंक यू, आपने नोटिस किया. मीरा हैज ऑलवेज बीन वांटिंग टू ब्रिंग आउट दैट फ्रेशनेस इन लता, और एक वो जो रॉनेस और एक ऑथेंटिसिटी है जो लता में, एक वो जो भोलापन है, वो हमेशा हमें दिखाना था स्क्रीन पे, और वही आई थिंक मेरा ब्रीफ रहा है. वेरी गुड. और भोलेपन के ऑपोजिट चलते हैं. ये जो कैरेक्टर है मीनाक्षी का, शाहाना गोस्वामी मुस्करा रही, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि मैं जैसी देख रहा था और जो सबसे पहला इंट्रोडक्शन आया ना डायलॉग, वो आया कि उसने वो बहू ने अपने ससुर के मेडल्स भेज दिए. शाहाना बहुत कमाल का है एंड आई कैन सी यू हैविंग फन, टोटल फन. और 1951 पोस्ट पार्टीशन, पूरा हिंदुस्तान दुखी है कि अभी अभी है ना बंटवारा हुआ है और ये हो रहा है ना, फार्म्स बिल हो रहा है, दुनिया भर की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन एक ही महिला है इस पूरी सीरीज में हु इज़ हैविंग फन. 1951 में ये जो फन की डेफिनेशन थी ये बहुत कमाल की है. तो कितना मज़ा आया ये मीनाक्षी का कैरेक्टर और क्या खासियत है इसकी? सबसे बड़ी खासियत तो मीनाक्षी की ये है कि वो जो है सो है, और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके आसपास की दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है और उसको उनकी उनको उसकी जिंदगी के बारे में क्या लगता है. एंड वो अपनी जिंदगी अपनी चॉइसेस से बहुत सहमत है, और वो तो मेरे ख्याल से चाहे आपको वो इंसान पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन किसी इंसान को अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना या अपने को अपने आप को इतना पसंद करना, ये तो हम लोग सब वी स्ट्राइव टू गेट देयर. तो दैट वॉज इटसेल्फ अ वेरी एडमिरेबल क्वालिटी अबाउट हर. बट मैंने तो बहुत मजा किया. आई थिंक फेवरेट सीन वॉज प्रोबेबली when she comes, the Christmas scene. It's a very small little scene with Randeep, but it was something that we had completely devised. हमने सब ऐसे ही impromptu. In fact, वो भी एक funny कहानी है. Costume trial. अब हमारे costume trial ही मीनाक्षी का बिचारी का undergarments में था, क्योंकि that was a little.
तो वो करने के चक्कर में That's one of my favorite scenes too. शाहना मुझे ये बताओ, ये सच सच बताना, ये रणदीप को, रणदीप हुड्डा को इस रोल के पैसे भी मिले हैं? मैं जरूर पूछूंगा. रसिका, मुझे आपसे बहुत सीरियस सवाल पूछना है कि पूरी दुनिया बंद थी इतने जो महीने से, सब लॉकडाउन था, और ये हर जो हर हफ्ते और हर 10 दिन में तुम्हारा एक या तो एक वेब सीरीज आ रही है, एक फिल्म आ रही है, ये कर क्या रही थी आप ये लॉकडाउन में? कब कब क्या क्या शूट हो रहा था? मैं भी यही सोच रही थी कि लॉकडाउन के वक्त मैंने सोचा था कि ब्रेक मिल जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं. हर हफ्ते कुछ ना कुछ, खुदा ना करे ब्रेक मिले, कोई जरूरत नहीं. वो भी है, इतना ब्रेक ले लिया मैंने अपनी करियर की शुरुआत में कि अभी ब्रेक की जरूरत ही नहीं, अभी ब्रेक मिल भी नहीं रहा है. तो एक तरह से इतना गुड प्रॉब्लम्स, बट हाँ काफी हेक्टिक ही निकल गया ये लॉकडाउन भी. मैंने सोचा था कि आई गेट सम टाइम ऑफ, मैंने म्यूजिक क्लासेस ज्वाइन कर ली थी और एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लिया था, सब रह गया क्योंकि लूट केस की रिलीज थी, एक शॉर्ट फिल्म मैंने अपने हस्बैंड के साथ लिखी और हमने घर में लॉकडाउन के दौरान शूट की. तो हाँ, इन लॉकडाउन में काफी बिजी रहा. माहिरा, आपको जो देखा मैंने, तो मुझे जो मैंने पढ़ा और सुना था वो ये था कि सब आप तो हिंदुस्तान में कम रही हैं, लेकिन वो जो नुआंसेस थे सासू माँ वाले और हिंदुस्तानी माँ, पंजाबी हिंदुस्तानी माँ, वो कहाँ से ले आई? बस अपनी माँ, अपनी दानी को मैं चैनल कर रही थी, उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिला. और मेरे काफी बंगाली फ्रेंड्स हैं और बंगाली और पंजाबियों के बीच मैं हमेशा इस किताब से डरता रहा, क्योंकि ये 1300-1500 पन्नों की किताब है, लेकिन अब आई वॉन्ट टू रीड इट आफ्टर वॉचिंग द सीरीज, और मुझे लगता है जब भी मैं पढ़ूंगा आप सबके चेहरे रहेंगे. ये बहुत ये कमाल की बात है, ऐसा कभी होता नहीं है, उल्टा होता है कि बुक हमेशा ज़्यादा अच्छी लगती है और एडेप्टेशन में कोई कमी रह जाती है. ये अब उल्टा हो गया चूँकि पहले एडेप्टेशन देख लिया. और एक और ख़ास चीज़, चूँकि आप चारों जो जो सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं, फीमेल कैरेक्टर्स, एक बड़ी, मुझे पता नहीं ये किताब में ऐसा है या ये स्क्रीन प्ले में ऐसा हुआ कि कोई भी जो भी औरतें हैं इस सीरीज़ में वो कोई एक दूसरे को पुल डाउन नहीं कर रही है. वो सब अलग अलग कैरेक्टर तो हैं और बहुत बुकिश भी नहीं लगते, वो बड़े असली कैरेक्टर लगते हैं, लेकिन वो कोई भी एक दूसरे के एंटी नहीं है जैसे हम सास बहू सीरियल्स में अपने देखते हैं. ये बात आपने नोट की थी जब आपको आप सबकी स्क्रिप्ट्स दी गई थी? ये बड़ा एम्पावरिंग है क्योंकि ये 1950s की बात हो रही है, वो हिंदुस्तान भी बिल्कुल अलग था. और अब जो हम जितने भी सीरियल्स, हिंदी सीरियल्स खासतौर पर देख रहे हैं, उसमें सब साजिशें रच रही हैं, सास बहू और साजिश इज़ द मेन थीम. वो इसमें बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल एक अलग तरह के कैरेक्टर्स हैं, उनको एक दूसरे को बिल्कुल वो साजिश नहीं रच रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ. जी बिल्कुल, आई फील लाइक इस कहानी की सबसे खास बात एक ये रही है कि जो वुमेन पावर है इसमें, दे स्टैंड टुगेदर इन सॉलिडारिटी, एंड आई फील लाइक द सेंस ऑफ सिस्टरहुड इज सो स्ट्रॉन्ग इन दिस बुक, एंड द वे मीरा दी हैज ट्रीटेड दिस नॉवल, एंड ऑलवेज दिस हैज ऑलवेज बीन अ पॉइंट ऑफ फोकस दैट द वुमेन बीज इन दिस सीरीज, they the characters that they that we all are playing, that we build each other up and that we support each other. So be it Lata and Ma ka relationship, ya be it Lata aur Meenakshi ka, ya be it Lata aur Savita, ya inke aapas mein bhi, there is no sense of competition. There is hum ek dusre mein ek wo hota hai na ki like let the other person shine brighter than you. So that has always been the case, even while filming it and even in the story as well. I feel like everybody is trying to bring out the best in the other person, and I feel like the sense of sisterhood is so strong in this book, and that is something that is really truly very empowering. Rasika, koi ladai nahi hui aapas mein jab shoot ho raha tha, tab to kuch kuch hua hoga na, iska ek scene zyada hai, mera ek scene kam hai. Actually bilkul bhi nahi, is shoot mein imandari se bata do nahi agar hota to bata de, nahi aise kaise ho gaya. मतलब जैसे मैं तो हमेशा कहती हूँ कि इसकी शूटिंग ना ऐसा लग रहा था कि मैं हॉस्टल में हूँ, क्योंकि 3 महीने हम सब एक होटल में रह रहे थे, तो और रात को जब हम शूटिंग से वापस आते थे तो सबको अपनी कॉल टाइम के मैसेजेस आने शुरू हो जाते थे,
और कॉल टाइम हमारे होते थे सुबह 3 बजे सुबह 4 बजे, क्योंकि इतनी बड़ी कास्ट है और कभी शादी का सीक्वेंस है तो कभी होली का सीक्वेंस है तो कभी कॉन्सर्ट का सीक्वेंस है, तो हम कंपेयर करते रहते थे तुम्हारा कॉल टाइम कितने बजे है और पौने 4। दूसरा बहुत खुश हो जाता था कि मेरा तो सिर्फ 4 बजे है यार। कहाँ शूट कर रहे थे आप लोग, ये कौन सी जगह थी जहाँ पर ये शूटिंग हुई पूरी? ज्यादातर लखनऊ में, मोस्टली लखनऊ में। अच्छा। कुछ हमने कानपुर में शूट किया लेकिन ज्यादातर लखनऊ में। शाहना, रिसेंटली आई वाज वाचिंग तू है मेरा संडे अगेन, तो वो उसमें भी यू हैविंग ग्रेट फन। उससे पहले जितने भी रोल थे बड़े इंटेंस और सीरियस टाइप के थे, है ना, चाहे वो रॉक ऑन हो या वो, ये आई थिंक ये आपका, मुझे लगता है ये आपका अपना डोमेन है, क्योंकि तू है मेरा संडे में भी इतना ही मजा आ रहा था देखने में और अब इसमें तो और भी ज्यादा आया। व्हाट वाज योर बीफ दिस कैरेक्टर मीनाक्षी? हां हां, मैं तो हमेशा बोलती हूँ दैट नोबडी एवर टैप्स इनटू दिस साइड ऑफ मी। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि दिस इज क्लोजर टू हु आई एम, लेकिन वो दिखाने को ज्यादा मिलता नहीं, वो इंटेंस वाला रोल मिल जाता है जो कि अच्छा है, लेकिन ये भी एक अलग ट्रेंड शुरू हुआ है। बट मीनाक्षी के लिए इट वॉज एक्चुअली, आई हैव टू से, सबसे बड़ी बात तो ये थी टू बिलीव कि मैं ये कर पाऊंगी। तो हर रोज मैं सेट पे आती थी कि आज तो मैं कुछ गलत करूंगी, आज तो मीरा इज गोइंग टू से कि ये तुम क्या कर रही हो, तो वो उस डर से कहीं ना कुछ एक अजीब सा, यूजुअली मैं प्रेशर में अच्छे से काम नहीं कर पाती हूँ, लेकिन वो कुछ एक अजीब सा प्रेशर था जिसमें एक्चुअली बहुत एक फ्रीडम मिलने लगी, बिकॉज इट वॉज अ काइंड ऑफ प्रेशर जहाँ पे आपको लग रहा था कि हर कोई, आप अपने आस पास देखें, दूसरे एक्टर्स को देखें हम या कास्ट क्रू, जिस तरह से लोग काम कर रहे थे, हमारी गुड़िया बिना एक टांग के काम कर रही थी। कौन है, किसकी बात हो रही है? तानिया हैड इंजर्ड हरसेल्फ फॉर अ गुड पीरियड ऑफ टाइम। ओके जी, तो वो आपको पता ही नहीं चलेगा, आप सीरीज में नहीं चलेगा। लेकिन सो इस तरह का जो डेडिकेशन था और इस तरह का की जो एक एनर्जी थी, it was very positive energy, you know, it just made us all feel like the desire to give it our best, and it was all because everybody wanted Meera to have that vision come alive the way she imagined it, you know, and wo ek bahut, so I think that was a big fueling part in being able to really, you know, surrender to the character and, you know, believe in it and trust in the fact that Meera will take it out of you somehow. और वो सब आपके परफॉर्मेंसेज में ना, वो सारी वॉर्म्थ नज़र आ रही है जो आप कह रहे हो, और ये चूंकि बिल्कुल ताज़ा देखा है मैंने भी। माहिरा, दो दो डायरेक्टर्स थे आपके लिए, और जिस तरह का रोल था वो मुझे लग रहा था पहला एपिसोड देखने के बाद, ये उधर वो रोतलू टाइप की सास या माएँ होती है, उस डोमेन में तो नहीं चला जाएगा, और आपने बड़े बिल्कुल बॉर्डर पर संभाल लिया उसको, तो इस तरफ जा नहीं पाए, तो ये कौन से डायरेक्टर की खासियत थी? और ये दो डायरेक्टर्स वाला सवाल इसलिए भी है कि दो कहीं महसूस नहीं हुआ, शिमित अमीन भी बहुत बड़े डायरेक्टर हैं और मीरा, ऑफ कोर्स मीरा ने तो क्रिएट ही किया है इसको, तो ये दोनों डायरेक्टर्स जो अलग अलग काम कर रहे थे वो स्क्रीन पे बिल्कुल नजर नहीं आता, ये कैसे होता है? दोनों डायरेक्टर काफी महान हैं, तो और उन दोनों के बीच में एक बहन भाई के तरह एक रिलेशनशिप है, तो दैट ट्रांसलेटेड ऑन टू सेट ऑल्सो, एंड दे आर बोथ, तो जो शाहाना कह रही थी ना, दे आर बोथ इन्वेस्टेड इन ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट इन यू, सो दैट वाज द होल फीलिंग ऑन सेट आल्सो। द इतना एंसेंबल पीस था कि ऑन सेट द फीलिंग दैट आई गॉट वाज आई एम जस्ट फॉरगेटिंग माय सेल्फ, माय रोल इज टू बी ऑफ सर्विस। मैंने अब थोड़ा एसोटेरिक साउंड कर रही हूँ, लेकिन एक तरह की सेवा थी मेरे लिए, so you know that was it was great to work with both of them. तो अब लोग देखने वाले हैं, क्योंकि ये आज तो वो डेट नहीं है, बट 23 को जब ये रिलीज होगा तो देखने वाले हैं। मुझे आप सबका फेवरेट सीन जानना है, अपना अपना या एक दूसरा, जो भी आप बताना चाहें, बिकॉज वो अब हम सीन्स के थ्रू चलते हैं, ये टेक्निकल बातें बहुत हो गई। कोई शूटिंग की बहुत खूबसूरत याद हो या जो सबसे खूबसूरत सीन आपको लगता है? मेरे तो बहुत हैं आपके बारे में, लेकिन मुझे दिस इज नॉट अबाउट मी। हम वो एक सीन है जहाँ आई एम इन लेबर, सविता इज इन लेबर, एंड शिमित ने शूट किया था वो सीन, तो मैं काफी नर्वस थी, मैंने बोला शिमित मुझे तो पता नहीं, आई एम नॉट अ मदर, आई डोंट नो व्हाट इट फील्स लाइक गिव बर्थ, आई डोंट नो इफ आई एम डूइंग इट राइट और नॉट,
She met said, even I don't know, because even I don't know. क्या करें? YouTube में कुछ वीडियोस देख लेते हैं, लेकिन मैंने बोला शिमित YouTube में पता नहीं कुछ अनाप शनाप डाल देते हैं, कुछ अजीब अजीब होगा एंड हम गलत कर जाएंगे। तो हमने बोला ठीक है, हम मीरा से कहते हैं कि वो आके एक बार नजर डाल ले कि ठीक चल रहा है कि नहीं, बिकॉज़ शी इज द ओनली वन अमंगस्ट अस हु हैज एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्ड बर्न। तो मीरा वाज शूटिंग द अदर यूनिट एंड शी केम, शी ड्रॉप्ड इन टू सी इट, एंड हमने काफी शूट कर लिया था एंड हमें लगा था कि साउंडिंग राइट, इट वाज लुकिंग राइट, शिमित वाज आल्सो लाइक साउंडिंग राइट, तुमको बच्चा वैसा करना नहीं आता। ओके, फिर क्या हुआ? उसमें मायरा रूपा मेरा मेरे बगल में खड़ी है और वो एज यूजुअल कुछ अनाप शनाप बोल रही है, गलत टाइमिंग है उनकी, वो हर समय कुछ क्रिएटिविटी हो जाती तो मतलब रूपा मेरा मायरा नहीं तो सविता यूजुअली इज वेरी टॉलरेंट, वो इनफैक्ट रूपा मेरा की पीस एम्बेसडर है कि वो जाके जो रूपा मेरा ने जहाँ रायता फैलाया होता है वो जाके सब चीजें क्लियर करती है। तो अब सविता इतनी फिजिकल पेन और एग्नी में कि मीरा आई एंड शी सॉ दिस एंड शी सेड, हाँ आप लोग ने सब अच्छा तो किया लेकिन यही एक मौका है कि सविता रूपा को एक एक वैक लगा दे। जिंदगी भर का जो गुस्सा है वो एक अंदर से इतने सालों से गुस्सा जम इकट्ठा हुआ पड़ा है ना, यही एक मौका है कि एक ऊपर लगा दे उसको जब वो कुछ बोले। तो हमने बोला ठीक है, सो वी डिड द होल सीन विद द करेक्ट साउंड्स एंड वन थप्पड़ टू ऐड टू इट। This is the kind of mischief that Meera brings to the scene, you know, it's very lovely. मुझे शॉपिंग करनी है और फिर आप रणदीप के पास पहुंच जाते हैं, that's my favorite scene. और वो जिस तरह चलता है वो सीन बहुत कमाल का है वो सीन। Two scenes that I like is one is the Christmas lunch, because I think वो जो interactions है सबके बीच में और कुछ कुछ दो लोगों के बीच में है, कुछ सबके पहली बार हरीश के कैरेक्टर से मिल रहे हैं, देन यू सी रूपा मेहरा जो बहुत ही खुश है और वो उनको लग रहा है कि मेरी चॉइस देखो कैसे मैंने इतनी अच्छी चॉइस, सब देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग डायनामिक्स इन दैट। एंड एक और सीन जो हम लोगों को एक्चुअली बहुत मजा आया था करने में, वेयर ऑल ऑफ अस आर देयर, इज जब मीनाक्षी और काकुली पहली बार आते हैं हॉस्पिटल में टू मीट द बेबी एंड लेडी बेबी सीन। और वो जो 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 अंग्रेजी में शायरी है वो अलग है और हिंदी में अलग है ना, वो शायरी फिट की गई है जी, है ना जी। और वो तो विक्रम ने जो उनकी किताब की जो ट्रांसलेशन है ना उसी से ली गई है। ओके ओके, पूरा ही लिटरेरी मामला है। लता बहुत कैची है। हाँ बहुत कैची है, बहुत कैची है। हाँ मैंने इसीलिए शुरू में कहा कि नहीं सॉरी सॉरी सेट पे एक दिन बोलती थी और तीन दिन चार दिन तक सारे यूनिट के शायरी तो लता मेहरा कौन सा फेवरेट सीन है आपका? मुझे भी खुद हमारा क्रिसमस लंच सीन बहुत पसंद है क्योंकि उसमें यू सी द एंटायर फैमिली टुगेदर एंड आल्सो देयर इज दिस आउटसाइडर हु इज बीइंग put in this strange almost setting, who's it's very new for this outsider, and you sort of see usme Meenakshi ki ek rant thi jisme wo apna sort of ek taunt kar rahi hai and just being Meenakshi and just being throwing her witticisms around and that just being Shahana, like, yeah actually it was just being Shahana. Shahana ki pun war jo wahan pe hoti thi na, I can't ever forget that. So you see like all these different relationships and the dynamics that they all have with each other and also now this new stranger that's placed in the setting, so it was a lot of fun for me. I personally love that scene. So I have two favorites. I love the tango scene. I loved it because there was so much there was so much effort that was put into it and it kept getting delayed for many reasons. And then it was also, so I had like almost like a split personality because as Rupa Mehta, you know, she doesn't like Meenakshi, but as Mahira, I was like, wow, look at Shahana dance. That's such a cool scene. Yeah, yeah, yeah. और वो जो अंतिम ट्रेन सीन है ना जब वो लता जा रही है हरीश के साथ and we're saying bye to her and the whole family is there. That feeling that you get, like, you know, the pura parivar is around you and that feeling of love that is that we built throughout the series, that was also
a very dear thing to me. Also this was a period drama, 1950s की बात हो रही है, लेकिन जिस वक्त शूट कर रहे थे उस वक्त ये कैरेक्टर्स देख के और जो कुछ हो रहा है उस टाइम फ्रेम में, ये देख के नहीं लगा कि कुछ ज़्यादा कुछ बदला नहीं है जो पॉलिटिकल हालात हैं या जो सोशल, ऐसा कुछ जहन में नहीं आया कि ये तो 70 साल पहले की बात हो रही है लेकिन लग रहा है कि आज की बात है? बिल्कुल, आई थिंक इन एवरी एस्पेक्ट, आई थिंक फर्स्टली तो जस्ट इट रिमाइंड्स यू दैट लाइफ एंड सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग गोज इन सर्कल्स, तो वो एक दौर था और आपको लगता है कि हम आगे जा रहे हैं, बट हम लोग एज अ सोसाइटी इन लाइफ जनरली वी मूव इन सर्कल्स, तो वो सर्कल लौट के आ गया एक बार फिर से, तो हाँ उसकी निशानियाँ दिखती है. एंड यू नो आई मीन टू पुट अ लिटिल मोर ऑफ अ पॉजिटिव स्पिन टू इट, आई वुड से दैट even the fact that you see so many different kinds of, hum log baat kar rahe the of different kinds of women and having a different strengths, you know, and one being very different from the other. So I think the fact that a Meenakshi Mehra did exist back then, and there is a Lata, and there is a Rupa Mehra, and a Savita who's very strong and sorted, you know, you the different kind of women, and you have Malti, you have all kinds of women who exist even today, and you know, one maybe there is a bit of an evolution, but that wide spectrum of kinds of women wo aaj bhi aapko nazar aata hai. So in that sense also ek tarah se it's all the same, and in a way there's also been you know, jo pehle aap expect shayad nahi karte ki tha in the past that existed and you know, still exists. To Rasika, aapko kuch kehna hai? Itni serious hai? Sorry. नहीं, नथिंग आई सेड, बहुत सीरियस लग रही हैं आप. मेरी शक्ल ही ऐसी है. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. तो हाँ, मैं तो कहती हूँ कि अनफॉर्चुनेटली इट्स एज रेलेवेंट टुडे, मोर रेलेवेंट टुडे देन एवर, क्योंकि जिस तरह की पोलराइजेशन है सोसाइटी में आज, मुझे तो लगता है कि मेरे जब से मैं पॉलिटिकली अवेयर हुई हूँ, मेरे ख्याल से मेरी लाइफ टाइम में ये सबसे ज्यादा पोलराइज्ड सोसाइटी जहाँ तक मैंने देखा. मैं उस चीज का मुझे बहुत दुख है. मुझे लगता है कि आजकल ऐसा माहौल हो गया है कि हम एक दूसरे से बैठ कर बात ही नहीं कर पाते हैं. अगर आप आपकी पॉलिटिकल व्यूज दूसरे से अलग हो तो कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हो पाता, कोई डिस्कशन नहीं होता. और जिस तरह की बिल्कुल सुपरफिशियल टाइप की डिस्कशन सोशल मीडिया के वजह से होती है, मैं तो मतलब एंगेज करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि आपको लगता है मैं अपनी बात ठीक से कह भी नहीं पाऊंगी, आगे से 100 लोग चिल्ला पड़ेंगे. तो और इस तरह का माहौल है आज. And polarization, मतलब whether it's on the basis of religion, whether it's on the basis of caste, whether it's basis of gender, is extreme these days, and that's it makes me very sad. That's all. आपने सब कह दिया रसिका अपनी बात में, और वाकई मुझे लग रहा है कि वैसे सोसाइटी में मुझे कोई उम्मीद खास नज़र नहीं आती अगले कुछ सालों तक, लेकिन जैसे आप सूटेबल बॉय में हुआ है कि आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है, उम्मीद यही रखते हैं हमारे समाज में भी सब कुछ ठीक हो जाए. बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, तान्या, रसिका, शाहाना और मायरा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वक्त और देते, लेकिन वो बैक एंड टीम जो है वो आपकी वो बहुत जल्दी है. बट बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू. और ये मुझे लगेगा बहुत सबको पसंद आने वाला है, और हम किसी दिन और बैठेंगे जब ये ज्यादा वक्त देंगे बैक एंड वाले. थैंक यू सो मच. थैंक यू. एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे.